बीते हफ्ते रिलीज हुई फिल्म राधेश्याम बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। साउथ सुपरस्टार प्रभास और बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा हेगड़े स्टारर इस फिल्म को देश भर में 5 भाषाओं में रिलीज किया गया था। 3,700 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज की गई ये फिल्म दर्शकों की उम्मीद पर खरी नहीं उतर पाई। ऐसे में हाल ही में इस फिल्म में बतौर मुख्य अभिनेत्री नजर आई पूजा हेगड़े ने फिल्म के प्रदर्शन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। हाल ही में एक वेबसाइट से बात करते हुए पूजा हेगड़े ने फिल्म की नाकामयाबी को लेकर बात की। हाल ही में एक बातचीत के दौरान अभिनेत्री ने कहा कि हर फिल्म की अपनी किस्मत होती है, लेकिन मेरा विश्वास है कि कभी कभी आप फिल्म देखते हैं और आपके मन में आता है कि ये फिल्म ठीक ठाक है, लेकिन बाद में उसी फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिल जाती है। अभिनेत्री ने आगे कहा कि कभी कभी कुछ ऐसी फिल्में भी होती हैं जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं करती, लेकिन जब आप उन फिल्मों को कभी देखते हैं तो आप कहते हैं कि पता नहीं ये फिल्म क्यों नहीं चली, जबकि ये तो अच्छी थी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बॉक्स ऑफिस पर हर फिल्म की अपनी किस्मत होती है। आपको बता दें 350 करोड़ के बजट से ये फिल्म दुनिया भर में सिर्फ 184 करोड़ रुपए का ही कलेक्शन कर पाई है। साथ ही ये हिंदी भाषाओं के दर्शकों को भी सिनेमा घरों में लाने में नाकाम रही। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय हमें कॉमेंट में बताइए। और भी ज्यादा ऐसी अपडेट्स पाने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।